इनबॉक्स करूंगी, देन आई विल डू माय स्किन केयर। खत्म खत्म खत्म, हमेशा की तरह मैं लेट हूं। सो लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस। यस, एंड विदाउट मेकअप, मेकअप भी मैंने नहीं किया, हल्का सा ब्लश अप्लाई किया मैंने। एंबियंस वाइज आई विल गिव 10 ऑन 10, कॉफी इज नाइस स्ट्रांग। Hey you all, what's up? Welcome or welcome back to my YouTube channel. And if you are new to my channel, then I am Tani. I make videos on fashion, lifestyle and travel. And आज का vlog काफी random vlog होने वाला है because Sarika, you know very well who is she. She is my friend and she is coming to my place. So Sarika came to Rikongpio yesterday. Rikongpio, my place where I live. We both have decided to go out. And guys, मैंने अभी तक कुछ decide नहीं किया है that what I'm going to wear. और Sarika अभी पहुँचने वाली है, अभी उसकी मुझे call आई थी, just she is about to reach. And I don't know, हमेशा की तरह मैं late हूँ. Even मुझे भी अपना skin care भी करना रहता है और वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Yes, मुझे याद आया, मेरा मीशो से अभी थोड़ी देर पहले एक order भी आया था, उसे भी unbox करना रहता है. So yeah, let's unbox it together. पहले मैं उसको unbox करूँगी, then I'll do my skin care, then I'll decide मुझे क्या पहनना है. Oh yes, मुझे अभी अपने बाल भी स्ट्रेट करने हैं. सो फटाफट मुझे ये सारे काम 15 से 20 मिनट में करने होंगे, क्योंकि सारिका बस पहुंचती होगी. अगर वो पहुंच गई और मैं तैयार ना मिली तो बस. दिस इज माय ऑर्डर फ्रॉम मीशो एंड आई हैव ऑर्डर्ड अ रिंग लाइट. इसमें इसका स्टैंड है और ऊपर की ये जो रिंग लाइट है इसमें. तो हैज़ द सीजर, मीशो में काफ़ी ज़्यादा सस्ता लग रहा था मुझे. आई गेस ये 500 समथिंग का पड़ा मुझे. बड़ी वाली लेने के मेरे पास पैसे नहीं थे, सो मैंने मीशो से ऑर्डर करके देखा एंड लेट्स सी हाउ इट इज़. मुझे फिर भी डाउट है क्योंकि 500 रुपीज़ का मिल रहा था ये, तो मुझे था कि कहीं ऐसा सही होगा. सो एक बार ओपन करके देख लेती हूँ, अगर ना अच्छा लगा तो फिर मैं वापस रिटर्न कर दूँगी. मेरे पास डिजिटेक की बड़ी वाली लाइट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी है. एंड उसकी लाइट भी काफ़ी डिम हो गई है, मुझे नई खरीदनी पड़ सकती है, बट अभी तो मैं नहीं खरीद रही. विल सी कब मैं लूँ. मैं लिंक दे दूंगी आपको रिंग लाइट का, जो मेरी डिजिटेक वाली है उसका भी मैं दे दूंगी. वो 18 इंचेस की है और ये छोटी है, आई डोंट नो कितने इंच की है ये. सो ये रहा इसका रिंग लाइट का स्टैंड. इसे मैं अभी ओपन नहीं कर सकती गाइस, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा फिक्स करके दिखा दूंगी आपको लास्ट में. इसको मैं ओपन करते हुए बिल्कुल ऐसे शूट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अभी सारिका की कॉल आई है और उसने मुझे पूछा था कि मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने उसको बोला हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, जबकि मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ. सो वो बस पहुँच ही रही है, उसको भी 5 मिनट्स और लगने हैं. तब तक मुझे 5 मिनट में अपना स्किन केयर भी करना है और इसको अनबॉक्स भी करना है. सो लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस, वरना मुझे आज बहुत डांट पिटेगी. ओह शिट. सो दिस इज द लाइट. मुझे लग रहा है ये काफ़ी छोटा है, मैं पिक्चर में लग रहा था कि काफ़ी बड़ा है ये, बट आई डोंट नो कि ये इतना ही होता है. दिस इज द लाइट, आई गेस इनफ है. ये लाइटिंग चेक करनी पड़ेगी कि कितनी है. ठीक है, ये इसे आप इजीली कैरी भी कर सकते हो अपने साथ. जो बड़ी वाली है वो तो बहुत मुश्किल होती है. इसमें 3 कलर्स है, इसका पावर बटन है एक, और ये प्लस माइनस इसकी लाइट लो और हाई करने के लिए, वो लाइट चेंज करने के लिए बटन दे रखे हैं इसमें. ये हाँ अडेप्टर में जाएगा, और ये फ़ोन के लिए, फ़ोन को प्लेस करने के लिए. तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, आई डोंट नो. और ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता ये क्या है. मुझे पता चला तो आई लेट यू नो, बट मुझे नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ ऐसा कुछ. अभी मैं फिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा है और इसकी लाइटिंग कितनी है कितनी नहीं. आई एम नॉट गेटिंग दिस हाउ टू फिक्स इट, एंड इफ़ यू नो हाउ टू फिक्स इट देन प्लीज़ डू लेट मी नो. और ये कहीं यहीं पे फिक्स होएगा, आई डोंट नो. वैसे मैंने लाइट स्टैंड में फिक्स कर ली है एंड अडेप्टर में भी मैंने इसको लगा दिया है. अभी लाइट नहीं है, चली गई लाइट, सो मैं आपको इसकी लाइटिंग नहीं दिखा पाऊँगी. इसकी मैं एक रील बना दूँगी, यू कैन चेक ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर डू फॉलो मी. ये रही 18 इंचेस वाली रिंग लाइट डिजिटेक की, एंड ये रही अभी मीशो से जो ऑर्डर करी थी वो. दोनों का मैं आपको लिंक दे दूँगी.
सो गाइज मैंने कपड़े पहन लिए हैं एंड हेयर भी स्ट्रेट कर लिए हैं. लेट्स क्विकली डू स्किन केयर इससे पहले कि सारिका आ जाए. और अगर गलती से सारिका आ गई तब तक बहुत चिल्लाने वाली है. सो मैंने फेस वॉश कर लिया था. आई यूज्ड फॉक्सटेल का हाइड्रेटिंग क्लींजर एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस फेस मिस्ट फ्रॉम मूडी. मैं वैसे अपना स्किन केयर इतनी फुर्सत से करती हूं, बट आज मुझे 2 मिनट में करना पड़ेगा. नाउ आई एम अप्लाइंग दिस सीरम फॉक्सटेल रैपिड स्पॉट रिडक्शन. ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. सो गाइस सारिका इज हियर. हो रही बस तू बैठ पानी पी. मैंने पानी भी तेरे लिए ला के रखा है. चलिए इसको मैंने 1 घंटे पहले का बोला था कि रेडी हो. गाइस अभी तक ये स्किन केयर कर रही है. गाइस स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट. लेट्स सारी का नहीं रेडी हो अब तू. हो रही बस इधर हेलो बोल. हाय तेरी वजह से ना सीरम भी ढंग से नहीं लगा रही. मैं स्किन केयर भी आधा अधूरा सा कर रही हूँ. हाय गाइस शे सारिका सारिका उर्फ रीति. सो अब मैं फुर्सत से स्किन केयर कर लेती हूँ. अब आई गई है ये तो अब रेडी हो भागना जल्दी. 1 hour later ये मैंने सीरम अप्लाई किया था. नाउ आई एम यूजिंग अभी अप्लाई आई एम अप्लाइंग फॉक्सटेल का ब्राइटनिंग सीरम. क्या मेरा सीरम भी खत्म हो गया? खत्म. मैंने रियलाइज नहीं किया वीडियो में बिल्कुल भी हेड स्पेस नहीं रहा. सो नाउ आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन फ्रॉम प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन. गाइस ये पीछे से बोल बोल के मेरा व्लॉग खराब कर रही है. पूरा बोलना क्या बोला. दिस इज आवर ओओटीडी एंड मिरर बहुत ज्यादा गंदा है. सो प्लीज इग्नोर एंड आल्सो इग्नोर हर. Don't ignore me. So guys, finally we are going. इस गधी ने मुझे व्लॉग भी कम्प्लीट करने नहीं दिया अपने स्किन केयर वाले शॉर्ट्स. मैंने पहले का बोला था रेडी होने के लिए और जब मैं आपकी स्किन केयर ही कर रही थी तो वो भी जरूरी है ना. यू कैन सी द डिफरेंस. Yeah guys, you can without skincare and with skincare and without makeup. Makeup भी मैंने नहीं किया. हल्का सा blush apply किया मैंने and lipstick and बस इतना ही. और मैं तो करती हूँ guys. हम जा रहे हैं मार्केट एंड यहाँ पे एक न्यू कैफ़े ओपन हुआ है द हिमालयन किचन. सो उसी कैफ़े को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. मैं वैसे एक बार जा चुकी हूँ ऑलरेडी बट सारिका कभी गई नहीं है. सो मैंने कहा सारिका को लेट्स गो देयर ओनली क्योंकि वहाँ का फूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सो यस आई विल कैच यू गाइस देयर. ओके बाय. सो गाइस दिस इज़ हिमालयन किचन. मुझे यहाँ का एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है और यहाँ की जो पाइलिंग हुई है वुडन पाइलिंग वुडन वर्क को रखा है दैट्स अमेजिंग. दैट्स मी. Himalayan kitchen and we are having coffee and here is Sarika. Hi guys. How do you like it? Ambience wise I'll give 10 on 10. Coffee is amazing and filhal I'm little stressed out kyunki mera third semester ka result aa chuka hai guys to thoda busy hu check karne mein. We'll have coffee and we'll give you the honest review. Yeah. Cheers. Here's my coffee. How's it? Nice, strong. The way I like. Cheers. So guys, here's the food and here's Sarika. How's the food? Nice. Here's the owner. Hi. We are having ginger tea right now. सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा. लिटरली खाना बहुत अच्छा है. हमने क्या खाया? We had amazing food and quality time. Sweet potato. नहीं chili potato and spring rolls. जो लोग उनको पता होगा मुझे चाइनीज बिल्कुल नहीं पसंद है
बट मुझे यहाँ पर चाइनीज फूड अच्छा लगा तो गाइज प्लीज डू विजिट हियर द हिमालयन किचन. तो गाइज वी हैड अमेजिंग टाइम हेयर एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमको और जैसे कि आपने देखा होगा कितना सुंदर कैफ़े है. सो प्लीज़ प्लीज़ डू विज़िट हेयर एंड ये मेरे कज़न के फ्रेंड का ही कैफ़े है और देव भैया हाँ. सो यस एंड अब हम जा रहे हैं कहाँ? अब हम जा रहे हैं नो आइडिया. मैंने तो कुछ ज्यादा खा लिया खाना. अब हम टेस्टी था यार. हाँ बहुत ज्यादा अच्छा था. वी आर ऑलमोस्ट फुल एंड अब ऑलमोस्ट स्टिल ऑलमोस्ट कैपेसिटी गाइस. सो गाइस मेरे फोन की बिल्कुल बैटरी खत्म हो गई है एंड पावर बैंक भी डेड हो गया है. सो आई गेस 7-8% बैटरी है. इसके बाद अभी हम जाएंगे मार्केट में भी या फिर घर भी जा सकते हैं नो आइडिया. हाँ लेट्स एंड द व्लॉग हियर ओनली एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ओके बाय. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग.